हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं एक ड्रैगन फ्रूट प्लान की सीरीज स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि विजय भाई कहाँ गायब हो चुका है। दोस्तों मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ और मैं आप लोगों को धोखा भी नहीं दे रही हूँ। दोस्तों मैं एक ड्रैगन फ्रूट प्लान की सीरीज स्टार्ट करने वाली थी, उसके लिए चाहिए था मुझे पैसा, लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर बैठा था। प्रॉमिस करने से पहले मैंने सोचा नहीं था मेरे पास पैसा है कि नहीं, मैं ड्रैगन फ्रूट प्लान की सीरीज स्टार्ट कर पाऊंगी कि नहीं। दोस्तों फिर भी मैं जितना भी मेरे पास है और मैं जितना भी एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा मिलता है वो सब कुछ जोड़ के मैं अभी इस ड्रैगन फ्रूट प्लान की सीरीज स्टार्ट करने के लिए मैं सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ड्रैगन फ्रूट प्लान की सीरीज स्टार्ट करके। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रैगन फ्रूट प्लान की सीरीज पार्ट 1। दोस्तों पार्ट 1 में आप लोग सीख सकते हैं सॉइल मिक्स कैसे A to Z तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया ये सीरीज स्टार्ट करने में। इस सीरीज को स्टार्ट करने में मुझे टाइम सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से लगी है। और दोस्तों मैं पैसा ज़्यादा मेरे पास होता नहीं है और मेरी रिसोर्सेस कुछ ज़्यादा नहीं है जो पैसा आने के लिए। दोस्तों इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम चला गया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाले हूँ मैं किस चीज़ में ड्रैगन फ्रूट प्लान की सीरीज स्टार्ट करने वाले हूँ। और दोस्तों मैं ये परमानेंट तरीके से थोड़ा सा करना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत था। और दोस्तों ये ड्रैगन फ्रूट प्लान मिनिमम 25-30 साल तक चलती है। वो स्ट्रक्चर भी हम लोगों को ऐसा ही बनाना चाहिए जो हमारे साथ मिनिमम 20 साल तक रहे। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट प्लान को एक बार अगर आप कैरेट में हो या फिर पॉट में हो, किसी भी जगह पे आप ग्रो कर दिया, उसके बाद जब वो 6 महीना चला जाता है, 6 महीने के बाद से ही वो अच्छा अपना ग्रोथ स्टार्ट करता है। उस टाइम पे अगर स्ट्रक्चर के ऊपर कोई दिक्कत होती है तो प्लांट कभी ग्रो अच्छे से करता नहीं है। दोस्तों इसीलिए आप जब भी ड्रैगन फ्रूट प्लांट ग्रो करें सबसे पहले आप स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ताकि उसका स्ट्रक्चर मिनिमम 20 साल तक रहे उसके ड्रैगन फ्रूट प्लांट के साथ। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट प्लांट के साथ अगर 20 साल तक रहेगी तो मिनिमम 15 साल तो हम लोग अच्छे से उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो हमारा जो कष्ट होगा या फिर जो रिसोर्सेस हमारा खर्चा होगा सब कुछ निकल के आएगी। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा डिले नहीं करूंगी, सिर्फ मैं आज छोटा सा अपडेट है ड्रैगन फ्रूट प्लान की पार्ट 1 वीडियो सॉइल मिक्स A to Z तैयार करने की तरीका। तो दोस्तों सॉइल मिक्स को चलिए तैयार करके आप लोगों को दिखाते हैं और ड्रैगन फ्रूट प्लान की गार्डन में चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोहे की पाइप देख पा रहे हो, इस पाइप को ही मैं इस्तेमाल करने वाले हूँ ड्रैगन फ्रूट प्लान की स्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों ये जो पाइप है ये इसके ऊपर अभी थोड़ा सा आयरन लग चुका है, मैं इसको कलर यानी कि पेंट भी कर देने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं दो एक साथ में प्लांट ग्रो करने वाली हूँ, इसीलिए 8 मैंने स्टिक लिया है। जो स्टिक है इस स्टिक की हाइट 4 की अलग हाइट है और 4 की अलग हाइट है। दोस्तों और साइड में लिया है मैंने फ्रूट कैरेट, इस फ्रूट कैरेट के ऊपर ही मैंने प्लांट ग्रो करने के लिए लिया है। दोस्तों इसके नीचे बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम है, इस ड्रेनेज सिस्टम को कवर करने के लिए मैं लेने वाली हूँ पॉलीथीन, जिस पॉलीथीन की आप लोग ब्लैक कलर की हो वो ब्लैक कलर की पॉलीथीन लेंगे तो बहुत ही अच्छा देखने को भी मिलेगी इस फ्रूट कैरेट में।
दोस्तों ये जो स्टिक है, इस स्टिक के नीचे मैंने कंक्रीट से ढलाई कर दिया है ताकि इसकी जो ब्रांच है, ब्रांच ऊपर तक जाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी अच्छा रहे। दोस्तों सोयल मिक्स बनाना शुरू करते हैं। सोयल मिक्स तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे DAP, जिसको सीबिट एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर भी कहते हैं। दोस्तों DAP मैंने लिया है यहाँ पे 10 ग्राम के आसपास। दोस्तों मैंने 2 फ्रूट कैरेट लिया है, 2 के लिए 10 ग्राम लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसको भी मैंने 10 ग्राम के आसपास लिया है। दोस्तों ये सिंगल सुपर फॉस्फेट पे बहुत ज़्यादा फॉस्फेट होती है जो रूट डेवलप करने में हेल्प करती है। दोस्तों और मैं ले रही हूँ ये टाटा ट्रेसल, इसको भी मैं ले रही हूँ मिनिमम 10 ग्राम के आसपास, या फिर 8 ग्राम भी लेंगे तो भी काम चलेगी। दोस्तों मैं यहाँ पे 8 ग्राम के आसपास ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 8 ग्राम में यहाँ पे डालने वाली हूँ 2 फ्रूट कैरेट के लिए। दोस्तों इस ये जो टाटा ट्रेसल है, इस टाटा ट्रेसल में जिंक, बोरून, कैल्शियम, कॉपर, 4-5 इस पे कैल्शियम आइटम है। तो दोस्तों ये है 0050 पोटासियम सल्फेट, ये पूरा ऑर्गेनिक फॉर्म में सल्फेट पोटाश है। दोस्तों इसको भी मैं 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोस्तों ये पूरा चीनी की तरह दिखाई देती है। और साथ में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ मास्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जो मास्टर्ड से तेल निकालने के बाद जो फर्टिलाइज़र निकलती है वही है ये मास्टर्ड केक। दोस्तों फंगस ना लगने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ साफ पाउडर, ये भी डायरेक्टली सोयल मिक्स में इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोस्तों ये जो सोयल मिक्स है, इसको अगर आप ड्रैगन फ्रूट प्लांट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगी। आप लोग भी एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, प्लांट भी कितने अच्छे से जल्दी ग्रो करेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मिनिमम 6 महीने के आसपास आप कंपोस्ट ना भी डालें तो भी अच्छे से ग्रो करते रहेगी। और दोस्तों मैं ये ले रही हूँ बालू रेत, ये है रेड कलर की जो कंस्ट्रक्शन साइड में मिल जाती है। दोस्तों और ले रही हूँ मैं व्हाइट यानी कि सफ़ेद बालू, ये बालू भी कंस्ट्रक्शन साइड में ही मिल जाती है। दोस्तों दोनों बालू को मैं मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई कर चुकी हूँ। आप लोगों के पास जो भी बालू आपके पास अवेलेबल हो वही आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। बालू मैं मिक्स कर रही हूँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने के लिए, सॉयल मिक्स पे पानी ना रुकने के लिए। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट प्लांट को पानी तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके सॉयल मिक्स में पानी रुकी हुई रहना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों अभी वीडियो जो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको देखने में और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं एक फावड़े की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सॉयल मिक्स को। आप लोग भी ऐसे ही मिक्स कर दीजिएगा सॉयल मिक्स को। दोस्तों फावड़े की मदद से ना हो तो आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी सॉयल मिक्स है वो बहुत ही बारीक होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ड्रैगन फ्रूट प्लांट के लिए ऐसे ही सॉयल मिक्स तैयार करते हैं तो दोस्तों आप लोग मिनिमम 10 से 15 दिन तक या फिर मिनिमम 1 हफ्ते तक आप लोग ये सॉयल मिक्स को बना के तैयार करके रख देना होगा ताकि उसका जो हीट है वो हीट निकल जाए। मैं यहाँ पे मास्टर्ड केक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया था और साथ में DAP फर्टिलाइजर यानी कि सीबिट एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों ये जो कंपोस्ट है यानी कि फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा गर्मी यानी कि हीट पैदा करता है। वो हीट मिनिमम 10 से 15 दिन रहेगी या फिर 1 हफ्ते भी रहेगी तो ये गर्मी हीट निकल जाएगी। तो दोस्तों मैं ऐसे ही अभी मिनिमम 1 हफ्ते तक रख दूंगी और दोस्तों 1 हफ्ते के बाद ही मैं इसको पॉट में डाल के आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगी। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आप लोगों के प्लान के ऊपर अगर कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं मेरी तरफ से मेरी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आप लोगों को मेरी टिप्स दे दूंगी, आप लोग केयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।